नमस्कार। सितरंग तूफान की ताजा खबर में आप सभी का स्वागत है। पिछले 24 घंटे में सितरंग तूफान ने कई राज्यों में भीषण तबाही मचाई है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में करीब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलते हुए मूसलाधार बारिश देखने को मिली है और कुछ क्षेत्रों पर केवल घेरे काले बादल छा रहे हैं और जहां पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं, जिसमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मणिपुर है। यहाँ पर पिछले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला। 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली हैं और अभी भी पूर्वोत्तर भारत का मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। गहरे काले बादल छाए हुए हैं और कभी मध्यम दर्जे की बारिश तो कभी मूसलाधार बारिश का कहर बना हुआ है। आपको बताना चाहेंगे, पिछले 24 घंटे में इस तूफान ने सबसे ज़्यादा तबाही बांग्लादेश में मचाई है। बांग्लादेश में पिछले 24 घंटे में पल भर में 7 लोगों की जान इस सितरंग तूफान ने ले ली है। हालांकि भारत से इस तूफान की दिशा में परिवर्तन हुआ है। बंगाल की खाड़ी से उठा ये सितरंग तूफान, जो कि पश्चिम बंगाल उड़ीसा से टकराते हुए बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड राज्य की ओर बढ़ना था, लेकिन अब इन राज्यों की ओर बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इन राज्यों के कुछ क्षेत्रों में बादलों की टुकड़ियां जरूर नजर आई हैं, लेकिन अब इन क्षेत्रों से ये खतरा टल गया है। मौसम विभाग के मुताबिक केवल खतरा पूर्वोत्तर भारत में बना हुआ है। वहीं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर राज्य में गहरे काले बादल छाए हुए हैं। बारिश का दौर जारी है और करीब यहां पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आज सितरंग तूफान को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, मौसम विभाग ने क्या अपडेट दिया है, उससे भी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। मौसम विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, इन राज्यों से इस सितरंग तूफान का खतरा टल गया है। दिशा परिवर्तित हो चुकी है और केवल पूर्वोत्तर भारत की ओर ये चाहते हुए नजर आ रहा है। हालांकि वहां से भी रेड अलर्ट हटा दिया है, यानी कि इस सितरंग तूफान का जो असर है धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि सितरंग तूफान की वजह से केवल अब इन्हीं राज्यों में बारिश बनी हुई है, जिसकी रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि आज की ताज़ा रिपोर्ट है। यह है आपके सामने इंडिया मेट्रोल डिपार्टमेंट भारत मौसम विभाग का आज का ताज़ा अपडेट है। निश्चिंत रहिए, आपको S24 न्यूज़ से एकदम राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यदि हम देखते हैं, आपने देखा था कि जो आपको पूर्व में सूचना दी गई थी कि जो उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया था मौसम विभाग ने, लेकिन अब हटा लिया है, जिससे आप स्पष्ट हैं ये खतरा, ये जो क्षेत्र है वो खतरा के निशान से बाहर है। केवल बांग्लादेश होते हुए इन राज्यों में जो भीषण तबाही मचाई है वो ये है, जिसमें आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तो अभी भी भीषण बारिश का कहर बना हुआ है। इसके अलावा त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय राज्य में, इन राज्यों में भी अच्छी खासी बारिश की उम्मीद अगले 24 घंटे में आपको देखने को मिलेगी। तो ये ताज़ा अपडेट है। बाकी सभी राज्यों का मौसम पूरी तरह साफ रहेगा, किसी भी राज्य में कोई खतरा तूफान का नजर नहीं आ रहा है। तेतरिंग ताज़ा खबरें, बने रहिए S24 न्यूज़ के साथ।